हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शाइन विद बबीता में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राखी स्पेशल, क्योंकि इस बार हम लॉकडाउन में घर पर ही बैठे हैं, तो क्यों ना मिठाई भी घर पर ही बनाई जाए। तो मैंने आज बनाई है आपके लिए बहुत ही टेस्टी हलवाई जैसी रसमलाई। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी स्पंजी और कितनी टेस्टी लग रही है देखने में। ये देखिए फ्रेंड्स, आप इसको एकदम खाने का आपका मन कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, को बनाना शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो बनाने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स में लिखकर भेजिए कि आपकी रसमलाई कैसी बनी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इसको बनाना। रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1.5 kg ये टोन मिल्क लिया है, क्योंकि टोन मिल्क का ही हमारा जो छेना बनेगा वो बहुत सॉफ्ट और अच्छा बनेगा। इसके लिए आप फुल क्रीम नहीं लीजिए। तो मैंने यहाँ पर 1.5 kg दूध को एक भगोने में चढ़ाकर इसको हम एक उबाल तक आने तक इसको गर्म कर लेंगे। दूध में छेना निकालने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के नींबू लिए हैं, इनको मैंने बीच से काट लिया है इस तरह से। आप चाहें तो विनेगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सिरका इसको बोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ नींबू ले रही हूँ और मैं इसका रस एक कटोरी में निकाल लूँगी। यहाँ मैंने 2 नींबू का रस निकाल लिया है और अब हम इसमें इतना ही पानी मिला लेंगे। दूध से छेने को सेपरेट करने के लिए हमने एक यहाँ भगोना ले लिया है, उसके ऊपर मैंने एक जाली रख दी है। आप चाहें तो कोई भी छन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये मलमल का एक कपड़ा लिया है मैंने, जिसके अंदर हम छेने को दूध को पलटेंगे, इससे हमारा सारा छेना अच्छे से निकल आएगा और हमारा पानी अलग हो जाएगा और छेना अलग हो जाएगा। दूध में उबाल आ गया है, ये देखिए। अब हम गैस को बंद कर देंगे और दूध को 5 मिनट के लिए थोड़ा सा ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए, हमने दूध को 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दिया था, और देखिए इसमें मैं उंगली, इतना हमारा दूध होना चाहिए। और अब हम धीरे धीरे, एक साथ हम नहीं डालेंगे इसको, नींबू का जो रस है हमारा, इसको हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डालकर इसको चलाते रहेंगे बीच बीच में, ताकि जो हमारा छेना है वो अच्छे से अलग हो जाए और बिल्कुल सॉफ्ट हमारा छेना निकले। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो ये छेना है बिल्कुल देखो धीरे धीरे अलग हो गया है, इसने बिल्कुल पानी को अलग छोड़ दिया है और छेना बिल्कुल हमारा, ये देखिए इस तरह से हमारा छेना फटना चाहिए। अगर हम एक साथ डाल देते तो दूध हमारा एक साथ मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ा हार्ड हो जाता, वो जो छेना निकलता वो थोड़ा हार्ड हो जाता। हमने धीरे धीरे डाला, इसीलिए हमारा देखिए छेना कितना अच्छा हमारा फटा है। ये देखिए, और इसको हम 2-3 मिनट ऐसे ही लाएंगे, और जब ये सारा अच्छे से निकल जाएगा उसके बाद हम इसको मलमल कपड़े में छानेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा छेना बिल्कुल अलग हो गया है, इसको अब हम मलमल कपड़े में छान लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इसको इस तरह से मलमल कपड़े में अच्छे से निकाल लेना है, ताकि सारा पानी नीचे आ जाए और हमारा ये जो छेना है ये ऊपर हो जाए। ये देखिए हमारा कितना सॉफ्ट छेना निकला है बिल्कुल। अब हम इसको इस तरह से, इसका जो पानी है वो अच्छे से निकाल लेंगे। ये देखिए,
अब हमें छेने के अंदर से जो नींबू का जो हमारा रस का जो स्मेल है वो निकालनी है, इसलिए हम इसको अच्छे से टंकी के नीचे चला के इसको धोएंगे ताकि नींबू का जो रस है वो अच्छे से उसकी स्मेल भी निकल जाए और नींबू का रस भी निकल जाए। ये देखिए इस तरह से ये बिल्कुल हमारा एकदम सॉफ्ट और एकदम अच्छे वाला छेना तैयार हो जाएगा और हमारे नींबू की जो स्मेल है वो बिल्कुल निकल जाएगी। नींबू का जो खट्टापन इसके अंदर आ गया था वो हमें बिल्कुल धो के इसको निकाल लेना है साफ पानी डाल के इसके ऊपर। ये देखिए इस तरह से ये देखिए फ्रेंड्स देखो जो हमारा नींबू का खट्टापन था वो बिल्कुल हमारा अच्छे से निकल गया है और अब हम इसको एक पोटली बना लेंगे इसकी और इसका जो पानी है अच्छे से इसको निचोड़ लेंगे। अब ये देखिए इसको हल्के से दबाते रहना है और इसके पानी को बिल्कुल घुमाते रहेंगे और इसके पानी को हम निकालते रहेंगे। हमारे छेने के अंदर बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, इसको हमें धीरे धीरे इसी तरह से इसको निकालना है। ये देखिए जब तक पानी निकले इसको निकालते रहिए, अच्छे से इसको दबाते रहेंगे तो पानी अपने आप ही निकलता रहेगा। ये देखिए हमारा पानी अच्छे से निचड़ गया है बिल्कुल। ये देखिए अब हम इसको ऐसे ही आधा घंटे के लिए इसमें छोड़ देंगे। जब तक हमारा छेना रेडी होता है तब तक हम यहाँ पर इसकी रबड़ी तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर गैस पर एक कढ़ाई रखी है और मैंने थोड़ा पानी डाला है पहले उसमें ताकि हमारा जो दूध है वो नीचे बॉटम में लगे ना। और मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है फुल क्रीम, आप चाहे तो काऊ मिल्क भी ले सकते हैं। और इसको हमें मैंने इसको कढ़ाई में कर लिया है और इसको गैस को मैंने हाई फ्लेम पे कर दिया है ताकि इसमें अच्छे से जल्दी उबाल आ जाए। और मैंने यहाँ पर ली हैं 4 ये हरी वाली इलायची, इनको मैं थोड़ा सा इमामदस्ते में कूट कर और तब इसके बाद दूध में डालूँगी। मैंने इलायची को थोड़ा सा मैं कूट लिया है और अब मैं इसको अच्छे से मसल कर दूध में डाल दूँगी ताकि इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आएगा। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर अभी इलायची को कूट कर डाला है तो इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। और दूध को हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि हमारा जो दूध है नीचे बॉटम में लगे ना। ये कुछ स्टेप्स हैं जो अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जो रसमलाई है वो बहुत अच्छी बनेगी। तो सबसे पहले आपको दूध को कंटिन्यूसली चलाते रहना है ताकि आपका दूध बॉटम में ना लगे। फ्रेंड्स यहाँ मैंने दूध को थोड़ा 5 से 7 मिनट अच्छे से उबाल लिया है। अब मैं इसमें थोड़े से केसर के धागे डालूंगी ताकि जो इसका फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आएगा और ये बिल्कुल हमारी मार्केट जैसी और हलवाई जैसी बनेगी। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर बिल्कुल प्योर सैफरन के धागे डाले हैं। ये देखिए फ्रेंड्स और इसमें मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट डालूंगी। ये मैंने थोड़े से बादाम लिए हैं जिसको मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है और ये पिस्ता लिया है, ये भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी और इसको अच्छे से चलाऊंगी। यहाँ मैं इसमें डालूंगी लगभग 100 ग्राम के आसपास चीनी। ये देखिए फ्रेंड्स ये 100 ग्राम के आसपास चीनी है और इसको डालकर हम इसको अच्छे से चलाएंगे। इससे हमारी जो रबड़ी है वो बिल्कुल बहुत टेस्टी बनेगी। सैफरन डालने से इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा और इलायची का टेस्ट भी जो बहुत अच्छा होता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर इसको हम अच्छे से चलाएंगे। इस रबड़ी को बनाते हुए बस हमें एक बात का ध्यान रखना है, हमें इसको बहुत गाढ़ा नहीं बनाना है क्योंकि अगर इसको हम बहुत गाढ़ा बना लेंगे तो फिर हमारी जो ये रबड़ी है वो रसमलाई के अंदर अच्छे से सोख नहीं होगी, तो इसलिए हम बहुत गाढ़ा इसको नहीं बनाएंगे। अब हम इसको थोड़ा सा बाजार का लुक देने के लिए इसमें हम बिल्कुल 1 पिंच ऑफ कलर डालेंगे।
जो लेमन कलर है, फूड कलर है ये बिल्कुल, तो हम बिल्कुल पिंच ऑफ डालेंगे ताकि इसका थोड़ा कलर बिल्कुल मार्केट जैसा आ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लेमन कलर है और आप चाहें तो कोई सा भी कलर जैसे ऑरेंज कलर भी डाल सकते हैं या केसर का कलर जो आता है मार्केट से, ये 5 या 7 रुपये का मिलता है, आप इसको आराम से डालकर, इससे कलर बहुत अच्छा हो जाएगा, ये बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट आएगा और लुक भी बिल्कुल मार्केट जैसा आएगा। जैसे हलवाई बनाते हैं सेम बिल्कुल वैसी बनेगी। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल हमारा जो कलर है बिल्कुल मार्केट जैसा हो गया है। कलर वैसे ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालना चाहें डाल लीजिए, और आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूर नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इसको बहुत गाढ़ा नहीं करना है, बस हम 1-2 मिनट इसको और पकाएंगे, उसके बाद हमारी रबड़ी बिल्कुल तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो रबड़ी है बिल्कुल रेडी है, क्योंकि हमें बहुत गाढ़ी नहीं करनी है। 1 लीटर दूध के में से हमने केवल 100 या 200 ग्राम ही दूध इसका हमने जलाया होगा, गाढ़ा किया होगा, इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं करना है। तो अब हम इसको गैस को बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी रबड़ी बनी है, बिल्कुल मार्केट वाला कलर, मार्केट वाला टेस्ट। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए घर पे, और आपकी रसमलाई बहुत अच्छी बनेगी। हमारे छेने को 40 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको अपने बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा हमारा छेना बना है। इसको अब हम एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, क्योंकि हमें अभी हाथ से बहुत अच्छे से मथना है, तो हमने इसको एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। जो भी हमारा छेना लगा है कपड़े में सब निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये जो हमारा छेना है वो देखिए इसमें होना चाहिए। ये देखिए हमारा छेना बहुत ही अच्छा बना है। इसको हमें अच्छे से क्रम करना है, तो पहले हम हाथ से ही करेंगे, थोड़ा सा इस तरह लेके इस तरह से। ये देखिए और इसमें अब हम 1 चम्मच अरारोट या कॉर्नफ्लोर लाएंगे, जिससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा, और सेकंड थिंग कि जो इसके अंदर थोड़ा जो मॉइस्चर होगा वो उसको भी अच्छे से सोख लेगा, जिससे जो हमारी ये जो रसमलाई बनेगी ये फटेंगी नहीं और इनका जो टेक्सचर आएगा बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए, और हमें इसको इस तरह से मथना है, ये जो हमारी हथेली है यहाँ से इस पे से हमें इसको ऐसे मथना है। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से। ये प्रोसेस आपको कम से कम 8 से 10 मिनट तक करना है, जब तक हमारा ये जो छेना है बिल्कुल स्मूथ होकर एक डो के रूप में ना बन जाए। ये देखिए, देखिए फ्रेंड 10 मिनट हो गए हैं, हमारा जो ये छेना था वो बिल्कुल एक डो के फॉर्म में आ गया है और बिल्कुल स्मूथ हो गया है। हमें इसी तरह से एकदम ये इसी तरह का डो चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल एकदम, और आप देख रहा होगा मेरे हाथ में भी चिकनाई थोड़ी सी होने लगी है, मीन्स हमारा जो ये डो है वो बिल्कुल अच्छे से जैसा हमें चाहिए वैसा रेडी है। अब हम इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे, अब हम छोटे छोटे इसके पीसेस कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें हाथ पे इसको दोनों हथेली से करके और हल्का सा प्रेस करना है। ये देखिए जो हमारी शेप है वो रसमलाई की बिल्कुल बाजार जैसी इस तरह से आपको बनानी है। ये देखिए, और इतने ही आपको ये गोले बनाने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों हथेली के बीच में आपको लेके और इसको हल्का सा प्रेस कर देना है। इसी तरह से सारे हमें ये अपनी रसमलाई बनानी है। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये इस छेने से हमारी 11 रसमलाई बनी है। आप चाहें तो 15 बना सकते हैं, चाहो तो छोटे छोटे 20 बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ की 11 बनाई है। चलिए अब इसको हम चाशनी में पकाते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक भगोना रखा है ऊपर गैस के, और इसमें मैंने
यहाँ पर 2 कटोरी चीनी ली है जो कि लगभग 200 ग्राम के आसपास है, तो मैंने ऐसे ही भर के 2 कटोरी ली हैं, तो मेरी चीनी हो गई है लगभग 400 ग्राम। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 2 कटोरी चीनी ली थी, उसी कटोरी से मैं 5 कटोरी पानी भरकर इसमें डाल दूंगी, क्योंकि हमें जो चाशनी बनानी है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है, ये बिल्कुल हमें सिरप की तरह बनानी है। 4 ये 5, अब मैं गैस को ऑन कर दूंगी। और चीनी को पानी में घुलने तक इसको अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 लीटर पानी डाला है इसमें, ताकि जो हमारी चाशनी है वो ज़्यादा गाढ़ी ना बने, और इसको हमें जब तक उबाल आएगा तब तक हमारी ये चीनी इसमें अच्छे से घुल जाएगी, और उबाल आने के बाद ही हम इसमें अपनी रसमलाई डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो चाशनी है अच्छे से उबलने लगी है, और हम थोड़ा सा गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो इसमें बबल ये जो आ रहे हैं इनको बंद नहीं होने देना है, कम नहीं होने देना है बिल्कुल भी। इसमें बबल जो आपके उबाल आ रहे हैं ये आते रहने देना है। अब हम इसको धीरे धीरे करके एक एक करके अपनी ये इसमें चाशनी डाल ये डालेंगे रसमलाई। ये देखिए इस तरह से, और हम इसको अच्छे से पकने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जो इसमें जो उबाल आ रहा है इसको हम कम नहीं होने देंगे, गैस को बराबर हमें मीडियम से थोड़ा सा हाई रखना है, ताकि ये अच्छे से इसमें उबाल आते रहेंगे तो अच्छे से अंदर से पकती रहेंगी। ये रसमलाई का अंदर से पकना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये थोड़ा सा स्पंजी बनेगी और फ्लफ़ी बनेगी इसी वजह से। तो आपको, और अभी हम 3 से 4 मिनट तक इसको ऐसे ही खुले में उबालेंगे, और जब ये 3 से 4 मिनट हमारे हो जाएंगे उसके बाद हम इसको ढककर पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसी छेने से यहाँ पर 4 रसगुल्ले बना दिए हैं छेने वाले, तो मैं इसको भी डाल देती हूँ साथ साथ, ये भी पक जाएंगे, क्योंकि हमारे छेने के जो रसगुल्ले बनते हैं वो भी सेम इसी प्रोसेस से बनते हैं। तो आप इसको अच्छे से 3 से 4 मिनट तक पकने दीजिए। फ्रेंड्स, हमारा ये भगोना थोड़ा छोटा पड़ रहा था, इसलिए मैंने इसको बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम इसको ढककर अच्छे से पकाएंगे, कम से कम 10 से 15 मिनट तक हमें इसको अच्छे से पकाना है, और इसको हमें मीडियम से थोड़ा सा हाई रखना है फ्लेम को, ताकि अच्छे से अच्छे ये फ्लफ़ी और स्पंजी हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो ये रसमलाई हैं पहले से बिल्कुल डबल हो गई हैं, फूल गई हैं अच्छे से, इनका साइज़ भी बढ़ गया है। तो अब हम इनको, अभी हमें 5 मिनट हुआ है, 10 मिनट इसको हम और पकाएंगे, तो ये और अच्छे से हमारी अच्छे से स्पंजी हो जाएंगी। तो बन रही है ना बिल्कुल बाजार जैसी हमारी रसमलाई। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपकी रसमलाई कैसी बनी। देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट हो गए हैं और हमारी जो ये रसमलाई है बिल्कुल अच्छे से पक गई है। ये देखिए, हम गैस को बंद कर देते हैं और मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूँ कि ये कितनी फ्लफ़ी और कितनी स्पंजी बनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले से साइज़ में डबल हो गई है, और ये देखिए इसको हम इसी के अंदर ठंडा होने देंगे। हमारे ठंडे हो गए हैं, अब हम इसको एक एक करके इस तरह से लेकर और इसका जो रस है इसमें से वो निकाल देंगे अच्छे से। ये देखिए, ताकि हमारा जो हमने रबड़ी बनाई है वो इसके अंदर सोख हो जाए अच्छे से। इस तरह करके अब हम इसको इसमें डाल देंगे, इसी तरह से हमें इसकी, ये देखिए इसके ऊपर रखकर, और हम इसको रस निकाल देंगे इसका।
और हम इसको इसमें डिप कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल हमारी बहुत फ्लफी और स्मूथ बनी है। ये देखिए, ताकि अच्छे से हमारी ये इसके रस को पी लें। देखिए हमने सारी वो रसमलाई डाल दी है उसमें, ये जो मैंने रसगुल्ले बनाए थे, ये देखिए ये भी कितने अच्छे बने हैं हमारे, बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से बनते हैं। तो आप चाहें तो इसको रसमलाई को रबड़ी में न डाल के आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं रसगुल्लों की तरह। और ये देखिए कितने अच्छे बने हमारे रसगुल्ले। और फ्रेंड्स, इस चाशनी को आप वेस्ट मत करिए, इस चाशनी को थोड़ा सा गाढ़ा करके आप इसमें जलेबी बनाकर डाल सकते हैं, तो आपकी ये रीयूज हो जाएगी अच्छे से। फ्रेंड्स, हमारी रसमलाई बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अब इसको आपको कम से कम 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है, ताकि ये अच्छे से जो रबड़ी है वो इसके अंदर अच्छे सोख हो जाए और फिर इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। कम से कम 4 घंटे, और अगर इसको आप 6 घंटे रख देंगे तो ये और भी अच्छी बनेगी।